क्लास थ्री सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन नंबर वन का आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर टू की एक्सरसाइज फाइव। तो इसे हम करेंगे बोर्ड में। अभी जो मैंने आपको समझाया है उसको बोर्ड में भी देख लीजिए आप एक बार। राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। तो हमें एक एग्जांपल दिया गया है 6, 8, 10। तो हमें ये देखना है कि इसके बीच में कितने नंबर स्किप हैं। तो 6 के बाद हमने 7 छोड़ दिया है, तो हमने डायरेक्ट लिखा है 8। 8 के बाद हमने 9 स्किप कर दिया है, फिर लिखा है 10। तो 10 के बाद भी हमें एक नंबर स्किप करना पड़ेगा। तो 10 के बाद हम स्किप करेंगे 11 और डायरेक्ट नंबर आएगा आपका 12। 12 के बाद हम 13 स्किप करेंगे तो नंबर आएगा 14। 14 के बाद वन नंबर स्किप करने के बाद हमें मिल जाएगा 16। तो इसमें आपको दे रखी है ए से लेकर ई तक एक्सरसाइज। ए मैंने आपको बता दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपने ई तक अपने आप करना है। फिर 6 वाला मैं आपको समझा देती हूँ। राइट द नंबर्स बिटवीन 608 and 611। 608 और 611 के बिटवीन कितने नंबर मिसिंग है, तो हमें वो लिखने हैं यहाँ पर। 608 के बाद एक नंबर आपका जो मिसिंग है वो है 609 and 610। बीच के जो नंबर स्किप हैं या छूटे हुए हैं वो हमको इस वाली लाइन में लिखने हैं। ये भी आपको मैं एक एग्जांपल बता दिया है, इसके बाद आपने ये 2 और 3 वाला अपने आप इसी पैटर्न से करना है। 7 वाला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एक कॉलम में नंबर है, एक कॉलम में प्रेडिसेसर है, एक नंबर में सक्सेसर है। नंबर दिए गए हैं हमको 68 and 102। तो प्रेडिसेसर में भी हमें एक नंबर लिखना है और सक्सेसर में भी। तो पहले आप प्रेडिसेसर का मतलब समझ लीजिए। प्रेडिसेसर जैसे कि आपको प्री से जैसे आपको समझ आ जाएगा, प्री मतलब होता है पहले और सक्सेसर मीन्स होता है आगे का। तो 68 से पहले जो नंबर आता है हमें वो प्रेडिसेसर में लिखना है। तो 68 से पहले कौन सा नंबर आता है, मतलब बिफोर भी समझ सकते हैं आपको, प्री मतलब पहले। 68 से पहले आता है आपका 67। सक्सेसर मतलब होता है आगे का। तो 68 से आगे का नंबर कौन सा है, मतलब 68 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो वो है आपका 69। तो आपके 68 का प्रेडिसेसर हो गया आपका 67 और 68 का सक्सेसर हो गया आपका 69। इसी तरीके से आपने एक और देखना है 102। 102 से पहले कौन सा नंबर आता है, 102 से पहले आता है आपका 101। और 102 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है, 103। मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए हैं, आपने इसी पैटर्न से 95, 483 और 9 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर और स्मॉलर। आपको इसमें साइन दे रखे हैं, एक है ग्रेटर का, एक है स्मॉलर का और एक है इक्वल टू का। हमें इसमें कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, मैंने यहाँ पे ए और बी आपको करवाऊंगी। पहला नंबर है 64, फिर एक बॉक्स बना है, फिर है 46। तो आपको पता ही है कि सिंबल किस साइड लगता है, सिंबल उस साइड को लगता है जिधर डिजिट बड़ी होती है। तो इधर 64 है, इधर 46 है, तो ये सिंबल किस साइड लगेगा, ये सिंबल 64 बड़ा होता है, तो इसलिए हम जो सिंबल लगाएंगे ग्रेटर का वो सिंबल होगा 64 की तरफ। फिर बी वाला देख लीजिए, 182, फिर बीच में बॉक्स है, फिर है 281। तो 182 और 281 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है, वो है 281। तो साइन लगेगा हमारा 281 की तरफ, ग्रेटर का साइन लगेगा। इसमें आपको एफ तक एक्सरसाइज दे रखी है। ए और बी मैंने आपकी कंप्लीट कर दी, बाकी आपने अपने आप ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको मैं समझा रही हूँ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से शुरू करते हुए, ठीक है। तो पहला नंबर है 82, 72, 27, 28, 52। तो बड़े से शुरू करते हुए हमने देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 82।
82 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें हम देखेंगे, तो वो नंबर है हमारा 72। 72 दो नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं तीन नंबर, 27, 28, 52। तो इन तीनों नंबरों में सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, वो है हमारा 52। अब हमारा ये वाला नंबर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास दो नंबर बचे हैं। तो अब कौन सा नंबर बड़ा है, 27 या 28? तो हमारे पास बड़ा नंबर है 28, और सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास है वो है 27। तो वो लास्ट हमारा आ जाएगा 27। और बी सी डी आपने अपने आप से ही प्रैक्टिस करना है, और इसको कॉपी में अच्छे से आपने लिख के मुझे दिखाना है। डिसेंडिंग मतलब आपको वैसे पता ही होगा, लेकिन डिसेंडिंग मतलब होता है बड़ी संख्या से शुरू करते हुए हमें छोटी संख्या की तरफ बढ़ना होता है। इसे आप काउंट डाउन भी बोल सकते हैं, या फिर बैक काउंटिंग की तरह भी इसे आप कर सकते हैं। तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज मुझे करके दिखानी है, मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताया है, उसी के अकॉर्डिंग आप ही अपना काम करेंगे।